मेरी लड़की सुसाइड कर सकती, मेरी लड़की को मारा गया है, मेरी लड़की को धमकी, 3 साल से समर सिंह टॉर्चर करता था मेरी लड़की को, 3 साल से समर सिंह के साथ मैं काम करती थी, पैसा नहीं देता, वो पैसा मांगती थी, काम करवा लेता था अपना, पैसा मांगती थी, पैसा नहीं देता था, आजकल उसको सहसा टरकाता था, वही वजह से उसको मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर, और फिर उसका ये दूसरे किसी के साथ में काम नहीं करने देता था मेरी लड़की को। गोली चले चाहे छारा, ये आरा कभी हारा नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह का ये गाना लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ये गाना वायरल भी हो रहा है, लेकिन एक दुखद घटना के कारण इस गाने में आकांक्षा दुबे ने अच्छा परफॉर्म किया है और एक दुखद घटना हुई जिसके वजह से आकांक्षा दुबे इस दुनिया में अब नहीं है हमारे बीच, और ये दुखद घटना के कारण ये आरा हार गया, जीत के भी हार गया। जी हाँ दोस्तों, गाने को लोग पसंद कर रहे हैं, गाना बहुत ही अच्छा है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसका जो लुक है, कॉस्ट्यूम है और जो म्यूजिक है बहुत अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो दुखद घटना हुई है इस कारण ये आरा कभी हारा नहीं है, लेकिन ये आरा जीत के भी हार गया है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन ये गाना रिलीज हुआ था उसी दिन आकांक्षा दुबे की दुखद घटना सामने आई थी, और अभी जो स्टेटस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि उनकी मां ने समर सिंह और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, और जांच होगी तो ये पता चलेगा कि इसमें कौन दोषी है कौन नहीं, अभी तो ये जांच का विषय है, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि यह व्यक्ति ही दोषी है, जांच होने के बाद ही सही निष्कर्ष निकलेगा, सही रिजल्ट आएगा कि कौन दोषी है, लेकिन जो भी हो, दोषी कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक सुनहरा भविष्य था, आकांक्षा दुबे के सामने बहुत अच्छा काम कर रही थी, और उनका जो पहला गाना पावर स्टार पवन सिंह के साथ आया था उसमें पवन सिंह ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि आप भविष्य में अच्छा करेंगे, और ये अच्छा कर भी रही थी, लेकिन इस बीच न जाने क्या हुआ कि आकांक्षा दुबे अब हमारे साथ नहीं है, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी घटना करता है, मैं जानता हूं आप जानते हैं क्या घटना हुई है, और अगर इस तरह की घटना होती है तो सीधी सी बात है कि उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर होगा, क्योंकि इस तरह का कदम कोई भी व्यक्ति इस आसानी से नहीं ले सकता, अगर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सहन न कर सके, इस लेवल पे जब कोई प्रेशर होता है तब जाकर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देता है, तो आकांक्षा दुबे के साथ जो हुआ बहुत ही दुखद घटना है, और अगर कोई व्यक्ति इसमें दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल एक चीज ये भी सामने आ रहा है कि जिनका मतलब उनकी माँ ने समर सिंह के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की है, और समर सिंह इस वक्त उनका फोन बंद है और वो लापता है, गायब है, अब देखते हैं कि कब समर सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ती है और खुद आत्मसमर्पण करते हैं, तब ये कुछ सामने आएगा कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है, जिसका भी हाथ है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज और ये भी बता देना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें उन्होंने परफॉर्म किया है, कुछ फिल्में हैं, और उस जरिए से हमारे बीच वो जिंदा रहेंगी, और आने वाले समय में पावर स्टार पवन सिंह के साथ भी एक गाना उनका आने वाला है।